कहां गई खजाने की चाबियां? क्या खतरे में है खजाना? जगन्नाथपुरी से अनहोनी के संकेत, सवालों के घेरे में पटनायक। अब क्या करेंगे पीएम मोदी, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। धरती का बैकुंठ लोक, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, चमत्कारों और रहस्यों का केंद्र, उड़ीसा का पुरी शहर जहां बसते हैं नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ। हर साल हर दिन हर क्षण पुरी के देखे इसी जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों का मेला लगता है। देखिए, यहाँ आने वाला हर शख्स खुद को धन्य समझता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इसी धाम में अब चोरी होनी शुरू हो चुकी है। और चोरी भी क्या, चाबियां। जी हाँ, प्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार जहाँ मंदिर का खजाना मौजूद रहता है, उस खजाने की सुरक्षा में लगे दरवाजे पर जड़े ताले की चाबी फिलहाल गायब है। और अब मंदिर से जुड़ी दो अहम फाइलें भी गायब हो चुकी है। चाबी कहाँ गुम हो गई है, इसको लेकर रहस्यों का जो जाल है वो बढ़ता जा रहा है। ये पूरा मामला देखिए आपका नहीं है बल्कि 5 साल पुराना 4 अप्रैल 2018 का है, जब SSI की टीम रत्न भंडार को खोलने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंची, लेकिन ताले की चाबी नहीं मिली। और जिसकी वजह से देखे खजाने का बंद कमरा अब तक नहीं खोला गया है। अब जो कि देखे चाबी अभी तक नहीं मिली, और इसलिए रत्न भंडार में खजाना कितना सुरक्षित है ये भी किसी को नहीं पता। और इसी के चलते देखे पटनायक सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है। रत्न भंडार में क्या कुछ है इसको लेकर, तो 2018 में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके मुताबिक ये बात कही गई थी कि रत्न भंडार में 12,831 भारी सोने के गहने हैं। एक भारी कम से कम 11.66 ग्राम के बराबर होगा और तकरीबन 22,153 भारी चांदी के बर्तन है, और इसके अलावा बहुत से बहुमूल्य रत्न भी यहाँ मौजूद है। लेकिन देखिए, गौर करने वाली बात यह कि उस दिन से लेकर अब तक रत्न भंडार में कितनी बेशकीमती चीजें बाहर गई वहां से और कितनी अंदर आई कोई नहीं जानता। प्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार को लेकर स्थानीय लोग ये बताते हैं कि 12वीं शताब्दी के इस मंदिर में रत्न भंडार के दो भाग हैं। भारी भाग की चाबी उपलब्ध है और इसे सूना बेशा के दौरान भगवान के श्रृंगार के लिए खोला जाता है। सालाना रथ यात्रा के दौरान ये परंपरा निभाई जाती है। वहीं देखिए बाहरी भाग की 3 चाबियां पूरी राजा के घराने के पास रहती है। अब बात अगर आंतरिक भाग की करें जिसकी चाबियां फिलहाल गायब हो गई हैं। जी हाँ, अब ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और मामले की देखिए अगली सुनवाई 10 जुलाई को होनी है। और फिलहाल देखिए खजाने के रहस्य को लेकर चाबियों के गुम होने से फाइलों के गायब होने पर नवीन पटनायक की सरकार पर मोदी सरकार पूरी तरह से हमलावर है। गौर करने वाली बात यह है कि कलयुग का धाम प्रभु जगन्नाथ की इसी दुनिया में बीते कुछ सालों में कुछ ऐसी असाधारण घटनाएं हो रही हैं जो तबाही का संकेत अपने साथ लेकर आई है। मंदिर के शिखर ध्वज का गिरना, शिखर ध्वज पर आग लगना, नील चक्र का टेढ़ा होना, मंदिर परिसर में पत्थरों का गिरना, महारसोई का क्षतिग्रस्त होना, और अब देखिए चाबियों से लेकर फाइलें तक गायब हो रही हैं। तो देखिए बीते 2 सालों में ये सब कुछ जगन्नाथपुरी धाम में हुआ, जिसके बाद कोरोना जैसी जानलेवा महामारी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं का दौर पूरी दुनिया ने देखा। और इसी के साथ प्रभु जगन्नाथ के अनंत भक्त रहे संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणियां भी सच होने लगी, जो कि देखिए भारत हमेशा से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक महान संत हुए हैं, और इसी कड़ी में 600 वर्ष पूर्व संत अच्युतानंद दास महाराज प्रभु जगन्नाथ की कृपा से अपने तप और योग के बल पर भविष्य मालिका पुराण एक ग्रंथ की रचना की। ताड़ के पत्तों पर उन्होंने असंख्य भविष्यवाणियां लिखी जो भविष्य में होंगी, जिनका सीधा संबंध जगन्नाथपुरी से जुड़ा है, ये सब उसमें बताया गया। अब देखिए बीते 2 सालों में जगन्नाथपुरी की तमाम घटनाओं का जिक्र आज भी भविष्य मालिका पुराण में मिलता है। भविष्यवाणियों में पुरी के जलमग्न होने से लेकर प्रभु जगन्नाथ के यहाँ से प्रस्थान करने का जिक्र उसमें मिलता है। अब जो कि देखिए मंदिर से चोरियां होनी शुरू हो चुकी हैं, और अब इसका दुनिया को क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मसले में पीएम मोदी की कितनी बड़ी भूमिका होनी चाहिए या फिर होगी देखने को मिलेगी, इसको लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब जाते जाते आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी खासियतों के साथ छोड़े जाते हैं। पौराणिक मान्यता कहती है जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है उन्हें महाभाग्यवान माना जाता है। वहीं रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं।
इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ होते हैं और ये रथ हर साल बनते हैं। रथ यात्रा में सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ चलता है। सभी के रथ अलग रंग और अलग ऊंचाई के होते हैं। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और ये लाल और हरे रंग का होता है। सुभद्रा के रथ का नाम दर्भदल अथवा पद्म रथ है। उनके रथ का रंग काला और नीला होता है जिसमें लाल रंग भी मौजूद है। हर साल बनने वाला ये रथ एक समान ऊंचाई का बनाया जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ का रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम का 45 फीट और बहन सुभद्रा का 44.6 फीट ऊंचा होता है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है क्योंकि ये औषधीय लकड़ी होने के साथ पवित्र भी मानी गई है। बता दें कि नीम के किस पेड़ से लकड़ी का चयन होगा इसका फैसला जगन्नाथ मंदिर समिति खुद तय करती है। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता, यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाया जाता है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत ऋतु के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होता है। तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पूरे के गजपति राजा की पालकी आती है और इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनारा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों को वो विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुडीचा मंदिर तक पहुंचती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। अगले दिन यानी कि एकादशी पर मंदिर खोले जाते हैं और तब जाकर देवों को स्नान के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है।